करना था, काम कर रहे साथ में, इससे बड़ा मेरे लिए सबसे बड़ी कोई गिफ्ट ही नहीं मेरे। आई कांट एक्सप्लेन, आई कांट, आई आई कांट, आई कांट। वी आल्सो बिलीव इन द क्वालिटी ऑफ द इक्विपमेंट एंड हमारे पास जो इक्विपमेंट डिजाइन बाय मी, डिजाइन बाय हिम एंड जो प्राइस पॉइंट जो हमारे इक्विपमेंट है, यू नो इट इज लाइक द बेस्ट प्राइस पॉइंट। सर ब्यूटी ये है कि हमारा इक्विपमेंट हिंदुस्तान में बनाया है और उनके इक्विपमेंट से बहुत ज्यादा बेहतर। एज अ फैक्ट एक महीने में, एक साल में, दो साल में बॉडी नहीं बनती है, बॉडी नहीं बनती है। हम साइड इफेक्ट के बारे में नहीं कहेंगे। आपको ढंग से एक्सरसाइज करनी है, पूरा मेहनत करना है, खून पसीना बहाना है, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्लीप अच्छी होनी चाहिए। आप अगर गलत तरीके से बॉडी बनाने जाएंगे तो बॉडी आपकी टिकेगी नहीं और आपके इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करती है और इवेंचुअली बहुत जल्दी आप निकल लो। समान से बड़ी वन क्वेश्चन फैट, क्योंकि आजकल ये जो स्टेरॉइड वगैरह चक्कर चल रहा है, ये पूछना चाहते हैं ना। हाँ, ये बहुत गलत चक्कर चल रहा है और किसी को यूज नहीं करना चाहिए। यूज तो क्या, बहुत सारे लोग इसको मिस यूज करते हैं, विच इज रियली बैड फॉर देयर बॉडीज एंड फॉर देयर, क्योंकि इससे लिवर, किडनी, हर चीज मींस लाइक ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं कि जिम में एक्सरसाइज करते करते इन्होंने निकल लिए, ये हार्ट फेलियर्स हुए लोगों का। तो इट इज नॉट द राइट थिंग टू डू, इट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू एट ऑल। आई थिंक थ्रू स्टेरॉइड्स, स्टेबल प्रोटीन शेक्स वगैरह, सप्लीमेंट्स वगैरह ठीक है, एनहांसर्स ठीक है, बट ये जो इस लेवल का स्टेरॉइड्स जो जा रहा है लोगों के अंदर, वो बॉडी तो बन जाती है लेकिन टिकती कि स्टेरॉइड की बॉडी है, नेचुरल बॉडी है नहीं, और उसके बाद बॉडी ज्यादा टिकती नहीं है और ना ही वो टिकते हैं ज्यादा। एक क्वेश्चन है सलमान सर, विच इज योर परफेक्ट टाइम टू वर्कआउट? लोग बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग इज अ बिग टाइम टू वर्कआउट, लेकिन आई हैव सीन यू एनी टाइम यू स्टार्ट समथिंग। व्हेनेवर यू गेट टाइम, मुझे टाइम लंच ब्रेक मिलता है, डिनर के बाद मिलता है, सुबह को मिल जाता है, शॉर्ट के पीछे मिल जाता है, तो जब भी ऐसा लगे कि टाइम मिल रहा है एक बॉडी पार्ट में निकाल देता हूँ, कभी स्टमक मार लेता हूँ, कभी चेस्ट, कभी लेग्स, एक एक बॉडी पार्ट कर करके मैं निकाल दूँ। बिकॉज वो मेरे पास वो टाइम नहीं है कि दो ढाई घंटे जिम में बिताऊँ, तो मैं जहाँ पर भी मुझे इतनी जगह मिल जाएगी मैं वहाँ पर मेरा वर्कआउट में कर लूँगा। सो यू डोंट नीड द इक्विपमेंट, वेट्स वगैरह।